ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैथोड पे, देखो कैथोड पे क्या होने वाला है, इस चीज को समझो। तो यहाँ पे कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन किसका, कैथोड पे रिडक्शन किसका होता है, जिसकी एसआरपी वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है। अब ज्यादा एसआरपी किसकी है, 19 मतलब एजी की है, और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो एजी एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है, यहाँ पे क्या होगा, एजी पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके किस में कन्वर्ट होगी, एजी में। तो देखो ये आपका हो गया प्रोडक्ट। तो देखो फर्स्ट सेल में आपको एनोड पे कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, यानी ये जो है ये क्या कर रही है, आके एनोड पे अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है और ये यहाँ पे जा रहा है। तो आपको कैथोड पे प्रोडक्ट मिल रहा है, मतलब यहाँ प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, यहाँ कोई प्रोडक्ट नहीं मिल रहा बच्चों, यहाँ प्रोडक्ट मिल रहा है क्या, एजी प्रोडक्ट मिल रहा है आपको, क्लियर। अब देखो बात करो सेकंड सेल में, सेकंड सेल में एनोड पे क्या क्या होने वाला है, देखो इस चीज को समझो। अब देखो मैं यहाँ पे ये रिफाइनिंग प्रोसेस है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहाँ पे होगा क्या, एनोड पे क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझो। यहाँ पे एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, Cu। अब ये क्या करेगा, ये Cu+2 में कन्वर्ट होगा और अपने दो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा। और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। तो ये क्या होगा, Cu2+ और ये क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन को गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cu में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो यहां भी कोई प्रोडक्ट नहीं मिल रहा एनोड पे, यहां प्रोडक्ट आपको किस पे मिल रहा है, कैथोड पे प्रोडक्ट मिल रहा है यहां भी Cu, यानी यहां एक तो यहां प्रोडक्ट मिल रहा है और दूसरा प्रोडक्ट आपको यहां मिल रहा है, एनोड पे कहीं कोई प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, क्योंकि एनोड पे क्या हो रहा है, सिर्फ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, और कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो कैथोड पे तो आपको मिल रहा है कॉपर, ठीक, और एजी कहाँ मिल रहा है आपको, फर्स्ट सेल में कैथोड पे एजी मिल रहा है, सेकंड सेल में कैथोड पे कॉपर मिल रहा है। तो फर्स्ट सेल का प्रोडक्ट क्या हुआ, एजी, सेकंड सेल का प्रोडक्ट क्या हुआ, कॉपर, ठीक। अब देखो कुछ नहीं है, फॉर्मूला आप लगा दो बस, ये चीज निकल के आ जाएगी। अब देखो वेट आपको पता करना है, हमें पता क्या, अब देखो हमें ये तो पता चल गया कि प्रोडक्ट कौन से मिल रहे हैं, एक तो एजी मिल रहा है, एक हमें कॉपर मिल रहा है, अब कितना मिल रहा है वेट पता करना है ना, ये तो प्रॉब्लम थी हमारी। तो देखो वेट क्या है यहाँ पे, डब्ल्यू। अब देखो इस चीज को समझो, मैं यही सॉल्व कर देता हूँ, थोड़ा स्पेस कम है। अब देखो W निकालने का फॉर्मूला क्या है, सामने लिखा है, इक्विवेलेंट मास किसका, इक्विवेलेंट मास Ag का, पहले हम बात करते हैं फर्स्ट सेल के लिए। तो इक्विवेलेंट मास Ag इंटू I इंटू T अपॉन क्या हो जाएगा, 96500। अब देखो ये वेट ऑफ किसका निकालना है हमें, वेट ऑफ फर्स्ट सेल। तो वेट ऑफ फर्स्ट सेल क्या है आपकी, Ag। अब वेट ऑफ सेकंड सेल क्या है हमारी, कॉपर। तो वेट ऑफ कॉपर इक्वल क्या करोगे, इक्विवेलेंट मास ऑफ क्या करोगे, कॉपर करोगे, इंटू आई इंटू टी अपॉन क्या करोगे, 96500। अब देखो इनको जब ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया और ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया, इन दोनों को डिवाइड कर दो, अब मैं इधर लेके आ रहा हूं इस चीज को, इन दोनों को डिवाइड करना है। तो देखो आई से आई कैंसिल हो गया, टी से टी कैंसिल हो गया, 9650 तो 9650 कैंसिल हो गया, अब बचा गया, समझो इस चीज को, वेट ऑफ फर्स्ट सेल मतलब एजी अपॉन वेट ऑफ सेकंड सेल मतलब कॉपर इक्वल इक्विवेलेंट मास ऑफ फर्स्ट सेल मतलब एजी अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सेकंड सेल मतलब कॉपर। ये हो गया बच्चों, हो गया ना वही चीज, समझ में आ गई बात, इसको मैं इधर लिख देता हूँ अगर प्रॉब्लम हो रही है तो। देखो समझो मैं एक बार फिर इधर रिपीट कर देता हूँ, अब हमें प्रोडक्ट पता चल गए। तो हम देखो ये फॉर्मूले को देखो, वेट निकालने के लिए, तो वेट हम फर्स्ट सेल के लिए निकालेंगे, फर्स्ट सेल क्या है हमारा एजी, तो वेट ऑफ फर्स्ट सेल का मतलब क्या हो गया, और इक्विवेलेंट मास ऑफ फर्स्ट सेल, और फर्स्ट सेल क्या है बच्चों एजी, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ एजी इंटू आई इंटू टी अपॉन कितना है, 96500। ये सामने लिखा है फॉर्मूला। अब उसी तरह वेट ऑफ क्या निकालना है आपको, वेट ऑफ कॉपर निकालना है। तो कॉपर यानी कौन सा हो गया, सेकेंड सेल हो गया, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर इंटू आई इंटू टी अपॉन यहाँ पे क्या करोगे, 96500, यही तो करोगे बच्चों। तो अब देखो अब इनको क्या करना है, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया, अब इन दोनों को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो देखो यहाँ पे क्या करोगे, वेट ऑफ फर्स्ट सेल ये लिखा है ना, मतलब वेट ऑफ फर्स्ट सेल क्या आपकी एजी अपॉन वेट ऑफ सेकंड सेल, सेकंड सेल क्या है कॉपर, तो वेट ऑफ कॉपर इक्वल, अब देखो इनको जब डिवाइड करोगे तो आई से आई कैंसिल, टी से टी कैंसिल, 9650 से 9650 क्या बचा, इक्विवेलेंट मास ऑफ एजी अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ फर्स्ट सेल क्या है आपकी एजी अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ क्या है कॉपर, आ गया ना निकल के, दैट्स इट, हो गया ना प्रूफ बच्चों, यही चीज होगी ना प्रूफ,
वेट ऑफ एजी अपॉन वेट ऑफ कॉपर इक्वलेंट मास ऑफ एजी अपॉन इक्वलेंट मास ऑफ कॉपर, ये हो गया प्रूव आपका, यही तो करना था बस हमें, अब कुछ नहीं करना। यहाँ पे वेट ऑफ एजी वेट ऑफ कॉपर पूछ रहा है, इक्वलेंट मास ऑफ कॉपर निकालना है और इक्वलेंट मास ऑफ अब एजी निकालना है। अब एजी का इक्वलेंट मास कितना होता है, एजी का जो मास होता है ना, इक्वलेंट मास निकालने का फॉर्मूला क्या है, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो एजी का मोलर मास रखो और उसका एन फैक्टर लगा दो, इक्वलेंट मास मिल जाएगा। उसके बाद कॉपर का निकालना है तो कॉपर का मोलर मास रखो अपन एन फैक्टर रखो और दोनों की वैल्यू यहाँ रख दो, आपको दोनों के वेट मिल जाएंगे यहाँ पे, दैट्स इट, कुछ करना ही नहीं है। इसको बाहर ले जाओ वेट ऑफ एजी जिनका मोलर मास रख के और आप निकाल सकते हो यहाँ पे। देट मेरा कहने का मेन मतलब यह था कि ये फॉर्मूला प्रूव हुआ कि नहीं हुआ, बस यही है आपका फेराडे का सेकंड लॉ। सीरीज कनेक्शन के लिए हम यूज करते हैं फेराडे का सेकंड लॉ, क्लियर बच्चों? और ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, तीन फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं बच्चों, ये वाला, ये और ये, क्लियर? यही यूज होने वाले हैं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके मैं प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करके बताऊंगा, कई सारे न्यूमेरिकल्स मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। ओके बच्चों, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? वेरी गुड बच्चों, तो अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो। ओके, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और उन बच्चों को जरूर फॉरवर्ड करो बच्चों जो कोचिंग एफर्ट नहीं कर पाते हैं। ओके बच्चों, सो स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी, बाय बाय, टेक केयर।